क्योंकि वो आपको इंस्पायर कर रहे हैं। और जो अनुशासन वाला, नियंत्रण वाला, कंट्रोल वाला, डिसिप्लिन वाला, टाइम मैनेजमेंट वाला जीवन नहीं व्यतीत करेंगे, उनको आप अपना फ्रेंड समझते हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं। ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फ्रेंड वो जो आपको प्रेरित करे, जो आपका मार्गदर्शन करे, वो फ्रेंड जो आपको रास्ते से भटकाए, उसको भी आप फ्रेंड समझे तो फिर आप कहाँ के समझदार हो। ठीक, तो वो सब आई मीन आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, इसको आप ध्यान में रखें। तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं रेगुलरिटी, मिशन मोड में प्रिपरेशन फ्रॉम डे वन, करियर ओरिएंटेड प्रिपरेशन फ्रॉम डे वन, टॉप क्लास प्रिपरेशन फ्रॉम डे वन, कंप्लीट सेल्फ कंट्रोल फ्रॉम डे वन, ब्यूटीफुल टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम डे वन, कंप्लीट डिसिप्लिन फ्रॉम डे वन, सीरियसनेस एंड सिंसियरिटी फ्रॉम डे वन। अब अगर आपको इस प्रकार का जीवन सही लगता है तो ये बाल भारती पब्लिक स्कूल मील पर आपके लिए उत्तम संस्था है। अगर आपको इस प्रकार का जीवन सही नहीं लगता है, यू हैव अ चॉइस, आपके पास एम्पल चॉइस है, आप कोई भी चॉइस ऑप्ट कर सकते हैं। हमारी गुड विशेष यहाँ भी आपके साथ, जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी आपके साथ ही रहेंगे। एक बात जो मैंने कहनी है और आप भी चीज का ध्यान रखिए, फैशन प्रस्त होना मॉडल होना नहीं होता। एक दूसरे को हाई वाई करना ये मॉडल होना नहीं होता। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को नजरअंदाज करना और हम कहें कि हम मॉडल हैं तो ये मॉडल होना नहीं होता। ये माता पिता को कहना चाहूंगा और बच्चों को भी समझाना चाहूंगा। फ्रीडम एक हद तक सही होती है, उससे ज्यादा जब हम फ्रीडम देते हैं उसको मॉडल होना नहीं कहते। और हम ये नहीं कहते कि आप मॉडल ना हो, लेकिन मॉडर्निटी की डेफिनेशन को समझें। मॉडर्निटी का मतलब है विकास, मॉडर्निटी का मतलब है तरक्की, मॉडर्निटी का मतलब है ग्रोथ, मॉडर्निटी का मतलब लगातार बेहतर होना, लगातार आगे बढ़ना। मॉडर्निटी का मतलब है एवोल्यूशन, आप हमेशा इवॉल्व करें, इवॉल्व करें कि आज की जरूरत के मुताबिक अपने आप को बदलें। और आज की जरूरत क्या है? कड़ा कंपटीशन, जो आज से 10 साल पहले नहीं था और आज से 10 साल आगे और ज्यादा बढ़ेगा, उस कंपटीशन के लिए खुद को तैयार करें। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, 98% से ऊपर मार्क्स हो तो वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। IIT में जाना है कि इतने ही मार्क्स हो तो आप IIT में एंट्रेंस दे सकते हैं। और अगर इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन में नहीं जाना है तो साइंस कॉमर्स मत पढ़े। ये बड़ी स्पष्ट सी बातें हैं जो माता पिता के सामने हम अपने यंगस्टर्स के साथ कर रहे हैं और अध्यापकों के सामने। तो इसलिए फैशन प्रस्ती, हाय वाय, ये 11 तक हो गया, इसके आगे नहीं चलो। राइट, इससे आगे मोबाइल की ज्यादा स्कूल कभी भी नहीं देता। तो जो बच्चे घर में जाकर ये बात कहते हैं कि हमें स्कूल से ये काम मिला है और मोबाइल यूज करना है, तो हम पहले ही कह रहे थे स्कूल से ऐसा कोई काम नहीं मिलेगा। और मान लो कोई ऐसा बच्चा कहता है आपको कि भाई मैं इस काम के लिए यूट्यूब देखना चाहता हूँ, तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है बच्चे के साथ बैठे कि तुम कोई YouTube देखना चाहते हो, कोई तुम एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हो, तुम कोई मॉडल बनाना चाहते हो, तो आपको बच्चे के साथ बैठना। बच्चा अकेला अगर मोबाइल यूज करता है और मुझे पता चल जाता है तो आई विल नॉट स्पेयर यू, तो मैं आपको स्पेयर नहीं करूंगा। क्यों? ये मेरे बच्चे हैं आपके पास। जब मेरे बच्चे आपके पास हैं और आप उनको बिगाड़ रहे हैं, आप बताएं कि क्या मैं आपको स्पेयर करूं? प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। ये बच्चे यहां पर हैं, आपके बच्चे हैं, हम इनका ध्यान रखें। कोई गलती हमसे हो हमारे साथ आके बात करें। लेकिन ये बच्चे जब घर जाते हैं तो मेरे बच्चे हैं, हमारे अध्यापकों के बच्चे हैं, आपके पास हैं, उनका ध्यान आपको अच्छे ढंग से रखना। बाद में बच्चों के ऊपर इल्जाम लगाएं, बच्चे चंचल,
उन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव नहीं देखे, जिंदगी की ठोकरें अभी नहीं खाई, तो हमें उनको कोई भी चीज़ अच्छी लग सकती है। जहाँ पर आराम होगा उनको अच्छी अच्छा लगेगा, जहाँ पर संघर्ष होगा उनको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक। लेकिन अगर आप सहयोग देते रहेंगे, मैं पंजाब से हूँ, वहाँ शब्द होता है अल्लाह शेरी मीन उत्साह, तो अगर आप उत्साह बढ़ाते रहेंगे ठीक, तो ये बच्चे काम करते रहेंगे। कोई बात नहीं ठीक, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, चलो करो। इस तरह से अगर हम काम करवाते रहेंगे तो काम हो जाएगा, राइट। और अगर वो कहें मेरे से नहीं होता, क्यों बेटा ना करो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, तो फिर काम हो जाएगा। तो क्या करना है, मैंने ये देखना, मुझे मोबाइल ला कर दो, वॉइस के केस में मुझे मोटरसाइकिल ला कर दो, तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी। इन फ्यूचर हमारी जो एक्स्ट्रा क्लास लगती है, साल में 5 या 6 बार अगर हम आपको तकलीफ देते हैं कि आप बच्चों को खुद छोड़ दें, मीन 230 दिन स्कूल लगता है, 230 दिनों में 5 या 6 बार आपको छोड़ना पड़ जाए, तो आप उसकी बच्चे मोटरसाइकिल ले जाओ, ये कहाँ से है? 5 या 6 बार हम आपको तकलीफ दे रहे हैं साल में, कौन सी बड़ी बात है, 10 बार कभी नहीं रहे, 5 या 6 बार हो सकता है। इस दिन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं रहे कि बच्चे को छोड़ दें, तो आप कह रही बच्चे तुम मोटरसाइकिल ले जाओ, कि वो किस स्पीड पे आए, किस स्पीड पे जाए, ड्राइविंग में तो उसके पास नहीं है, हम उसको क्या सिखा रहे हैं, स्कूल का कानून भी तोड़ो, देश का कानून भी तोड़ो, और अच्छे नागरिक बनो, क्या ये संभव है? स्कूल का नियम भी तोड़ो और देश का नियम भी तोड़ो और अच्छे नागरिक बनो, क्यों? क्योंकि मैं 6 दिन तुम्हें छोड़ने नहीं जा सकता, क्या ये सही? वही बच्चा आपसे प्रश्न करें, क्योंकि मैं जब नर्सरी में पढ़ता था तब तो आप छोड़ने जाते थे, अब क्या हो गया, अब मैं बच्चा नहीं, तो इस चीज का प्लीज हम जरूर ध्यान रखें। बच्चों को एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो आप ट्यूशन की तरफ जाते हैं, क्यों जाते हैं, आपको एक गलत फहमी हो गई कि अगर मैं ये ट्यूशन सेंटर ज्वाइन कर लेता हूँ तो इतने नंबर आ जाएंगे, राइट। आपको लगता है कि शिक्षा जो है वो थाली के ऊपर परोस कर किसी को भी, किसी के भी आगे रखी जा सकती है, पैसे खर्चो थाली लो, पैसे खर्चो थाली लो, नंबर हासिल करो, ये थाली नहीं है, यहाँ थाली सिस्टम नहीं चलता, यहाँ ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, यहाँ कमाया जाएगा, मार्क्स या शिक्षा को आप अर्जित करते हैं, खरीदते नहीं। तो ट्यूशन में ये जो प्रचलन चल रहा है वो है थाली के ऊपर सजाने का, आपको परोसने का प्रचलन, वो थाली असल में है ही नहीं, तो आपको भटकाया जा रहा है और आप भटक जाते हैं, कृपया करके भटकना बंद करें और मेहनत करें। मेहनत के साथ अगर मान लो हमारे स्कूल की टीचिंग अच्छी नहीं भी होगी तब भी आप कामयाब हो जाएंगे, और मेहनत करना सीख जाएंगे। एंड हार्ड वर्क इज द सोल्यूशन, थिंकिंग इज द कैपिटल, एंटरप्राइज इज द वे, एंड हार्ड वर्क इज द सो सेज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, राइट। ये हमें मान ही लेना चाहिए, हार्ड वर्क इज द सोल्यूशन। एब्सेंटिज्म हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। अगला जो लास्ट पॉइंट है जो आपसे शेयर करना है, हम जब भी मिलें, माता पिता, अध्यापक, प्रिंसिपल, जब भी मिलें, हमारी चर्चा एजुकेशन के ऊपर होनी चाहिए, फी के ऊपर कभी चर्चा नहीं होनी चाहिए। आपकी फीस नहीं आई, प्लीज ये चर्चाएं खत्म हो जानी चाहिए। फी जो समय है, आप उस समय पर यहाँ पर फीस देंगे, अभी अध्यापक यहाँ पर हैं, दे बी टेकिंग यू क्लब क्लासरूम, वे आर गिविंग यू द रिजल्ट्स, बच्चों को सम्मान भी दिया जाएगा वहाँ पर, तो उसके बाद एक अंडरटेकिंग आपको दी जाएगी, उसके सारे पॉइंट्स मैं लगभग आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक, वही उस पर लिखे हुए हैं, अगर तो वो आपको ठीक लगे उस पर हाँ में साइन करें, अगर वो ठीक नहीं लगे तो फिर ना ले सकें, लेकिन अगर वो ठीक नहीं लग रहे हैं तो फिर बच्चे को सही ढंग से पढ़ाया नहीं जा सकता, सिर्फ इस संस्था में नहीं, किसी भी संस्था में नहीं पढ़ाया जा सकता। तो जो भी मान लो माता पिता के कर्तव्य हैं वो उस पर लिखे हुए हैं, जो हमने कोई बातें की हैं वही राइटिंग में है, और उसके नीचे उम्मीद करेंगे कि आप हाँ में साइन करेंगे, ना में साइन करेंगे। बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई, गुड, वेरी वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू।
आप ही बच्चे मानोगे आपने अब आप ही बच्चे।